नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक बेल्ट वाला और चार प्लेट्स कैसे बनता है, बेल्ट वाला ब्लाउज और एक जो बॉर्डर वाला है इसको कैसे सिलते हैं, तो चलिए हम अब बताऊँगी कैसे सिलते हैं। तो चलिए अब हम इसको मैं कटिंग करती हूँ। चलिए हम सिलते हैं इसको, प्लेट्स डालते हैं। तो ये हमारा चारों प्लेट हमने डाल लिया है इसमें। अब चलिए इसको हम बेल्ट को कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे ये चौड़ा वाला जो भाग है हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। अब इसके ऊपर से हम सिलाई डालेंगे। एक सिलाई डालने से हमारा थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाता है। तो ये हमारा बनके सिलाई हो गया है। अब हमारे इसी तरीके से हम दूसरा वाला चलिए हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरा भी बना लिया है। दोनों पल्ला हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हुक और आई का हम डालते हैं इसमें। जो नए लोग हैं उनके सीखने के लिए बहुत आसान है इसमें, नए लोगों के लिए।
तैयार हो गया है। हुकाई वाला जो पट्टी होता है उसको मैंने जोड़ दिया है। तो अब चलिए हम बैक पार्ट को हम सिलते हैं। तो हम पीछे का ये वाला जो प्लेट होता है इसको हम डालेंगे इस तरीके से। तरीके से हमारा दोनों प्लेट पड़ गया है। अब यहाँ से ये जो हमारा हाफ इंच का होता है इस पर हम सिलाई डाल देंगे। तो देखिए हमारा पीछे का, तो ये हमारा पीछे का पल्ला हमारा तैयार हो गया है। इसमें हमने प्लेट डाल लिया और ये वाला यहाँ पर सिलाई डाल दिया। हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं दोनों पल्ला। तो इस तरीके से हम अपना दोनों पल्ला हम ऐसे जोड़ लेंगे और सिलाई डाल देंगे। तो ये हमने पल्ला हमने जोड़ लिया है, बैक पार्ट और आगे का पल्ला हमने जोड़ लिया है इसमें। तो इसमें यहाँ से हम गहराई अपनी काटेंगे ताकि हमारे बाजू में झोल ना आए इस तरीके से। इस तरीके से हम अपना गहराई दोनों पल्ले में हम काट लेंगे। तो अब इसमें हम बाजू में गहराई यहाँ से लेंगे। इस तरीके से हमारा गहराई कट गया बाजू में। दोनों बाजू में हम इसी तरीके से अपना गहराई काट लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारे दोनों बाजू में कट गया है। इसमें भी हमने कटिंग कर लिया, इसमें भी हमने कट मार दिया है। तो देखिए ये हम अपना बाजू इसमें जोड़ लेंगे अब इसमें, और इस तरीके से हम पिनअप कर देंगे। पिनअप करने से हमारा बाजू यहीं पे टिका रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो आराम से हमें सिलाई डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारा दोनों बाजू हमने जोड़ के तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ से, चलिए अब हम फिटिंग लगाते हैं। यहाँ से हम फिटिंग लगाते हुए सीधे नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया पूरा। हमने इसका फिटिंग उटिंग सब लगा लिया है। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम गला बनाते हैं। गला कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा तुरपाई वाला गला है। इस तरीके से हम गले पे ऐसे पट्टी जोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा गला हमने बना लिया है। गले पे हमने पट्टी जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ भी कट मार लेंगे। यहाँ भी मार लेंगे। अब इस तरीके से हम ऐसे करके अपने गले को इस पे से सिलाई डाल लेंगे ताकि हम ऐसी सिलाई डालने से गले में हमारी फिनिशिंग आती है अच्छे से। गला हमारा तुरपाई जो करते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छे से हमारा गला तुरपाई हो जाता है, फिनिशिंग भी आ जाती है गले में।